चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन अमीटर बाय कनेक्टिंग। अच्छा ये क्वेश्चन, चलो सबसे पहले आप ये समझ लो कि अमीटर, अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है होना चाहिए वो ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो। गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है उसकी जो रेंज होती है वो 10 to 100 ओम के बीच में होती है, ठीक है। और वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो जनरली इन्फिनिटिव होना चाहिए, आइडियल। सिमिलरली अमीटर का भी रेजिस्टेंस आइडियल कंडीशन में इन्फिनिटिव होना चाहिए, लेकिन ये होता नहीं है, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होता है, जीरो से थोड़ा सा ज्यादा होता है। और उसी तरह वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस भी जो है इन्फिनिटिव, आइडियल वोल्टमीटर में तो इन्फिनिटिव होना चाहिए लेकिन वैसा होता नहीं है। उसकी भी रेंज जो हम लोग प्रैक्टिकल जो लैब में यूज करते हैं उसकी रेंज 600 ओम to 10,000 ओम के बीच में होती है, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर की 10 ओम से 100 ओम के बीच में होती है। तो इसका ये मतलब हुआ एमीटर का रेजिस्टेंस सबसे कम होता है, गैल्वेनोमीटर का उससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा वोल्टमीटर का। ये सीक्वेंस हो गया। अब इसमें कह रहा है गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर बाय कनेक्टिंग। तो ये बात ध्यान रखो कि अगर गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना चाहते हैं तो रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा गैल्वेनोमीटर की। जैसे गैल्वेनोमीटर है, इसका रेजिस्टेंस है मान लो 50, अब इसको 1 ओम करना है तो आपको कोई पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा जो कि काफी कम वैल्यू का हो, मान लो 1 ओम का है। तो अब ये 50 ओम, ये 1 ओम, तो इसका इक्विवेलेंट, क्योंकि ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो ऑब्वियस सी बात है पैरेलल में जो लो रेजिस्टेंस होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उससे भी कम हो जाता है ना, R1 R2 / R1 R2 पैरेलल के केस में। तो ध्यान रखो इस बात का कि जब भी आपको रेजिस्टेंस कम करना होगा सर्किट में, जैसे 50 को अगर 1 से भी कम करना है तो 1 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू उससे भी 1 ओम से भी कम हो जाएगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की भी वैल्यू 1 ओम से भी कम हो जाएगी। तो आपको क्या करना चाहिएगा, क्या करना होगा, ये वाला पैरेलल लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल लगाना होगा, जिससे कि गैल्वेनोमीटर का जो इफेक्ट है, उसके रेजिस्टेंस का इफेक्ट है वो मिनिमाइज हो जाए और बहुत कम हो जाए। तो ये ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।